यूपी के बलिया में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, ट्रेन में आग लगा दी गई। संवाददाता अजय भारती की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ बलिया रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पिट के पास, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन में आग लगाई गई है और आरपीएफ के लोग इसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ट्रेन की आग अब धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उपद्रवी जो है और ये अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उपद्रवी किस प्रकार जो है हावी है पुलिस प्रशासन पर। पुलिस टुकड़ियों में बंट करके अलग अलग जगहों से जाके ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, यहाँ तक कि अब सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। आपको मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से कि किस तरह आग को बुझाया जा रहा है। आरपीएफ के लोग आग को बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह ये धुआं उठ रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ आग की लपटें उठ रही हैं, लेकिन आरपीएफ के लोग लगातार प्रयास करके इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उपद्रवी अभी शांत नहीं है, जब छुपे हुए हैं और छुप छुप करके वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल्योर नजर आ रहा है। अजय भारती, बलिया। तो हमारे साथ निधि लगातार बनी हुई हैं आरा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन सेना में भर्ती की योजना को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सब डिवीजन में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के बल्लभगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अगले 24 घंटे तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। सेना में भर्ती की जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बहरहाल एक बार फिर हम रुख करेंगे आरा रेलवे स्टेशन पर, मौजूद है हमारी सहयोगी निधि श्री। निधि, जिस तरीके से आप बता रही थी कि तोड़फोड़ की गई है कल, वहां जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आज आरपीएफ ने और रेलवे प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं जिससे कि इस तरीके की स्थिति दोबारा पैदा ना हो? देखिए, रेलवे प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो स्टेशन के गेट पर दिख रहा है कि सिर्फ संख्या बल जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कोई इंतजाम मैं नहीं देख पा रही हूँ। और कल की ही तस्वीर की बार बार जिक्र हो रही है प्रणय, एक बार फिर से मैं आपको इस हिस्से की तस्वीर दिखाती हूँ। ऊपर में शीशा लगा हुआ है इंक्वायरी काउंटर वाला जो कमरा है उसमें, और इस शीशे को भी तोड़ा गया है। ये तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पर जो जहाँ संभव हुआ छात्रों से सभी जगह तोड़फोड़ करके बिल्कुल नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई है। ये अलग अलग कांच के टुकड़े जो है वो टुकड़े यहाँ रखे गए हैं। और इसी तरीके से अगर इस हिस्से में मैं दिखा सकूँ आपको तस्वीरें, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे थे उन्हें भी तोड़ा गया है। और जहाँ जहाँ शीशा है सभी को बिल्कुल ईंट बल्ले से जो जैसे छात्रों को मिला उसी तरीके से तोड़ दिया है। ये इस शीशे को जरा देखिए, ये बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। अब आप समझिए कि इंक्वायरी काउंटर को हाल में ही बनाया गया था, इस पूरे कमरे को हाल में बनाया गया था, उद्घाटन किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन प्रशासन के इस मेहनत पर किस तरीके से छात्र, ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तरीका सही है, क्या ये प्रदर्शन का विरोध का तरीका सही है। इसी तरीके से अगर मैं इस हिस्से में जाऊं, जरा इस हिस्से को देखिए, चूंकि ये गेट बंद है लिहाजा यहाँ पर छात्र कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस पूरे में आपको कांच के टुकड़े नजर आएंगे। इस खिड़की को भी पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। ये कल की तस्वीर है, आज यहाँ पर अगर प्रशासन और संख्या बल और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं तो बिल्कुल। निधि, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। तो अग्निपथ योजना के नाम पर हो रहे उपद्रव पर हर अपडेट हम आपके साथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही इस चीज का सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ट्रेनें जलाने से नौकरियां मिल जाएंगी। सिटी जानिए, कोरिया सिटी। हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया खोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।